बाप बेटी की केमिस्ट्री और डांस परफॉर्मेंस देखकर हैरान हो गए सुनील शेट्टी। कहा कि बाप की परवरिश को कोई मायने नहीं रखता, आप एक माँ की तरह साथ दे रही हैं। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं बॉलीवुड के कुछ खास खबरों के साथ। जैसे कि दोस्तों आपने या मैंने हमेशा यही सोच, हम हमेशा एक बच्चे की जो केयर होती है उसमें हम हमेशा एक महिला या फिर एक माँ का ही फर्ज याद रखते हैं कि मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हम सारा क्रेडिट मदर को ही देते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रही कि मदर हकदार नहीं है उस क्रेडिट की, है, लेकिन हम कहीं ना कहीं बच्चे के फादर को या फिर अपने पिता को भूल जाते हैं कि उन मतलब पूरी का भी पिता हो उनको भूल जाते हैं कि फादर का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसके चाइल्ड की ग्रोथ में, उसकी सक्सेस में, उसके पालन पोषण में। तो कभी कभी हमने देखा होगा कई ऐसे बच्चे हैं आज भी जिनकी मदर नहीं होती लेकिन उनको फादर ही मदर के वे में पालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मदर को सब याद रखते हैं लेकिन फादर के विषय में कोई ये बात याद ही नहीं रखता है। ठीक इसी की तरह एक मैं आपको एक एक्ट बताने वाली हूँ जो कि डांस दीवाने में वुमेंस डे के मौके पर प्रस्तुत किया गया था। जी हाँ, प्रस्तुत मैंने थोड़ा ज्यादा ही हिंदी बोल दिया लेकिन प्रेजेंट किया गया था। तो देखिए इसमें एक कंटेस्टेंट है मुकेश और सुरगम करके, ये दोनों डॉटर और क्या बोलते हैं उनके फादर हैं ये। तो ये बाप और बेटी का डांस था और ये दोनों डांस दीवाने के काफी अच्छे कैंडिडेट्स हैं। मैं आपको ये बता देती हूँ, पहले इनके बारे में आपको ये बता देती हूँ कि इनका जो डांस था वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक डांस था। इनके डांस को देखकर एक एनर्जी टाइप फील हो और एंटरटेनमेंट से भरा हुआ था। और इनके जो फादर हैं, जी हाँ उनके जो फादर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि दोनों में गैप बहुत ज़्यादा, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस, केमिस्ट्री, डांस स्टेप परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जब इनका परफॉर्मेंस एंड हुआ, इनका जब एक्ट खत्म हुआ, तब सुनील शेट्टी ने कुछ इतनी बड़ी इमोशनल बातें कही मुकेश से, जी हाँ, जो कि उनके फादर हैं, किसके, सुरगम के। वो ये कहते हैं कि ये समाज हमेशा महिलाओं के योगदान को याद रखता है लेकिन फादर के योगदान को कोई याद नहीं रखता। तो वो ये कहते हैं कि आपने अपनी बेटी को एक मदर की तरह ही पाला है, आप एक माँ और बाप दोनों की भूमिका निभा रहे हैं, दोनों की तरफ से उनको पाल रहे हैं, उनको किसी की कमी नहीं महसूस होने दे रहे हैं और आज वो जिस मुकाम पर है वो आपकी वजह से ही है, आप उनकी माँ से बढ़कर हैं उनके लिए, आप माँ और बाप दोनों का काम कर रहे हैं। इसी पर माधुरी दीक्षित भी कहती हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी बेटी की केयर कर रहे हैं, ये सोसाइटी हमेशा फादर के क्रेडिट्स को याद नहीं रखती लेकिन एक फादर भी बच्चे के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें स्टेज पर हुई, इमोशनली मोमेंट था और काफी ज्यादा जो इनका डांस परफॉर्मेंस था अच्छा था, मैंने आपको बताया। तो आप मुझे कमेंट सेशन में ये बिल्कुल ना बताना भूलें, आपको कैसा लगा ये डांस परफॉर्मेंस। अगर आपको फुल वीडियो देख रहा है तो आप इनके जो ऑफिशियल कलर्स टीवी का चैनल है यूट्यूब पर, आप उन पे जाके देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाया है तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। खैर आप ये सब छोड़िए और भी ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए बॉलीवुड समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।